अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आपने टाइटल से वो स्टार्टिंग वीडियो देख ली होगी, और ये जी दूसरी शादी जो है स्टार्ट हो चुकी है। जो मैंने आपको बताया था कि काफ़ी शादियां आ रही हैं, सो ये जो है मेरे मेके में है। सो अभी मैं जा रही थी अम्मी लोगों की तरफ, और क्योंकि आज जो है मेहंदी है, सो आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि बहुत ही मज़े का जो है व्लॉग होने वाला है और बहुत ही मज़े के मेहंदी के फंक्शंस हैं। सो ये हम लोग ये पहुँच चुके थे घर, और ये देख सकते हैं आप लोग। और ये बेसिकली जो है हमारे नेबर्स में शादी थी अम्मी की तरफ, और उन्होंने स्पेशली मुझे कार्ड भेजा था क्योंकि हम लोग के बहुत ज़्यादा जो है फैमिली फ्रेंडशिप हम स्टार्टिंग से साथ रहते हैं। सो उन्होंने जो है मेरे लिए भी कार्ड भेजा था जो कि ये है। सो आप लोग एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। सो ये जी मैं अम्मी की तरफ पहुँच चुकी हूँ, और यह दिन का टाइम है, और आप लोग देख सकते हैं सारी इन्होंने लाइटनिंग वगैरह कर ली है, और मेहंदी ये लोग हैं घर में करेंगे। घर में मतलब के जो साथ एक प्लॉट है उसको सारा वो सेटअप करेंगे। और ये देख सकते हैं शाम का टाइम और व्यू, माशाल्लाह इनके दो घर हैं और दोनों इन्होंने डेकोर किया था। एक दूसरी साइड पर है, दूसरी स्ट्रीट में, और एक ये है, और इन्होंने फुल जो है वो किया हुआ था, डेकोर किया हुआ था। और इसके अलावा ये घर में इसलिए कर रहे हैं, हॉल वगैरह में नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने लेट नाइट तक जो है मेहंदी का फंक्शन करना था। सो एक प्लॉट था वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनको ये करके उन्होंने सारा डेकोर कराया था। यहाँ पे जी हसन आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा इसको होता है कि लाइट्स वगैरह देखता है। बेसिकली जो फंक्शन स्टार्ट होना था वो कार्ड पे टाइम लिखा हुआ था 8 बजे का, लेकिन ऑब्वियसली बात है हमारे जो अम्मी का घर है बिल्कुल उसके सामने प्लॉट है, तो हम लोग ने तब जाना था जब लोग आ रहे थे। सो ये आप लोग देख सकते हैं वो साइड पे जो है वो सारा सेटअप हुआ हुआ है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी जब हम लोग जाएँगे अंदर। और ये जी सेटअप इन्होंने सेट किया हुआ था। सो ये जी मेरा ड्रेस, और ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ऑरेंज दुपट्टा है मेहंदी के लिहाज से परफेक्ट है। और ये दी ज्वेलरी एंड ऑल। सो अभी मैं तैयार होने वाली थी, और इसके बाद जो है मैं हसन के भी आपको दिखाती हूँ। सो आज जो हसन को बनाने लगी हूँ माशाल्लाह से ये ड्रेस है, और मैंने सोचा ये लंबा होगा जो बुब लेके आए थे। सो ये अभी पहनाते हैं, तैयार होते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सी आपको क्लिप्स जो हैं वो रात की दिखा दूँ। सो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि बिल्कुल घर के सामने था, सो हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी। सो अम्मी लोग और मेरी सिस्टर भी रेडी हो रही थी, और अब हम लोग जो हैं जब तैयार होंगे फिर जाएंगे। सो माशाल्लाह 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 कहना ना भूलिएगा। ये हसन जो है रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, इसके नानों जो है ये ड्रेस लेके आए थे, और ये शूज़ जो हमने चेंज कराए थे, और बहुत प्यारा यहाँ पर इसने सीन कर दिया था कि दूसरी वीडियो में इसने वोमिट कर दी थी, वो मैंने डिलीट कर दी। सो जी फाइनली 9 बजे हम लोग जो निकल गए थे, और आप लोग स्ट्रीट में देख सकते हैं रश है, और यहाँ पे दूल्हा मियाँ भी था, और ये बिल्कुल जैसे लग रहा था जैसे हम बिल्कुल छोटा सा था, और अब इसकी शादी है। सो अभी इन्होंने जो फ्रंट पे था वो लड़कियों का था, और ये बैक साइड पे जो सारी फीमेल्स हैं उनके लिए है, और स्टेज भी सेट हुआ हुआ है। सो अभी हम लोग सबसे मिल रहे थे, आंटी लोगों से मिल रहे थे, और अभी हम लोग बैठेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ी थोड़ी है हॉल की क्लिप्स। और माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी जो थी डेकोर की हुई थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये एक प्लॉट में की हुई है, और ऐसा लग रहा था बिल्कुल आप हॉल में हो। और माशाल्लाह बहुत आप देख सकते हैं ये स्टेज है मेहंदी का स्टेज, और बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी माशाल्लाह से। यहाँ पे जो है वीडियो की आवाज़ बंद करनी पड़ रही है क्योंकि जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा था, सो कॉपीराइट आ सकता है। सो अभी जी हम लोग जा रहे हैं सारे बाहर से, जो दूल्हा आ रहा था, सारा जो फंक्शन वगैरह होने थे, सारे ढोल वगैरह। सो अब मैं जो है वॉइस ओवर नहीं करूँगी, सो आप लोग ये जो वीडियो है यहाँ पे ये सारा डांस फांस लुड्डी एंड जो ढोल वगैरह होता है वो सारा होगा। सो इस यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप सही से जो है वीडियो एंजॉय करें, और जो बाहर से देख रहे हैं सो क्योंकि मेरे जो है इंजीनियर जो है डिफरेंट कंट्री से देखते हैं, सो देख सकते हैं पाकिस्तानी जो है शादी कैसी होती है। इन्होंने जो दो घोड़े वगैरह रखे हुए थे वो डांस कर रहे थे, एक ये ब्राउन सा है और एक आगे जो है वाइट कलर का भी आएगा, और बहुत मज़े का। Thank you.
कार का जो सारा वो था वो हो गया है फंक्शन, और अब जो है दूल्हा आएगा स्टेज पे, और अभी हम वापस आ गए थे। सो अब जी दूल्हा आ रहा है और ये आप देख सकते हैं, और वॉइस ओवर ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था। सो हसन को जो है हमने छोड़ा था सुबह बजे के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की वजह से वो रो रहा था। सुबह मैं उसे वापस लेके जा रही हूँ, और अब हो गया थी खाने का टाइम, और खाने में जो था तो मेहंदी के हिसाब से चिकन एंड पूरी बहुत ही मज़े का, सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, और बहुत कहते हैं ना टेस्टी खाना, और जो सारा उन्होंने फंक्शन किया है ना वो बस बहुत। अभी इनका फंक्शन जो है वो काफ़ी देर तक चलेगा, अभी 11 बजे का टाइम था तो खाना था, और अभी जो है हम लोग अपना खाना खाएंगे। और सो जी ये था खाना और बहुत ही मज़े का, और ये था आज का मेहंदी का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह जो कल बारात की वीडियो है वो भी अपलोड करूँगी। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।